इस बात पे मेरा 100% यकीन है कि रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला ने जितना रिस्क आपके हिस्से में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहता है। भले कोई इंसान कितना भी कोशिश कर ले आपके काम में रुकावट डालने की, लेकिन जो रिस्क आपके हिस्से में लिखा जा चुका है वो आपको किसी भी तरीके से मिलकर ही रहता है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या मेरे पेज पे मैसेज करते हैं, मेरे क्लाइंट हैं, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ है कि मैं किस तरह से डीलिंग करती हूँ और जितनी मेरे से हेल्प या किसी भी तरह की मदद जो है मैं कर सकती हूँ वो मैं लाजमी करती हूँ। लेकिन यहाँ मैं बात करने लगी हूँ उन लोगों की जो कि क्लाइंट बनकर हमें पेज पर मैसेज करते हैं और इनबॉक्स करते हैं, चीज़ों के बारे में पूछते हैं, प्राइसेस लेते हैं, बार बार उसके ऊपर बहस करते हैं कि आप यार रेट कम कर दें या फला टाइम पे हमें आप डिलीवर करें, मतलब सारी डिटेल्स एज ए क्लाइंट जो है वो हमसे हासिल कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारी डीलिंग उनके साथ बहुत अच्छी चल रही होती है और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ तक डिस्काउंट पॉसिबल हो सकता है वो भी दे दिया, फ़लाँ चीज़ भी हो गई, ये भी हो गया, हर चीज़ जो है वो चाह रहे होते हैं तो वो मैं कर देती हूँ। बट इन द एंड एकदम से मैसेज आता है, अच्छा चलिए ये छोड़ें और आप ऐसा करें, आप मुझे शॉप बता दें, मैं वहाँ से जाके खुद परचेज़ कर लेती हूँ। मतलब क्या क्या समझ रखा है, आप इतना टाइम वेस्ट करें, इतनी देर से आप 2 दिन से 4 दिन से कंटिन्यू प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, प्राइसेस के बारे में पूछ रहे हैं, फाइनलाइज़ कर रहे हैं, हर चीज़ कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन ईच एंड एवरीथिंग आपने डिस्कस कर लिया हुआ है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से आपसे परचेज़ नहीं करती, मैं जाके जो है शॉप से ले लेती हूँ, आप मुझे शॉप का एड्रेस बता दें। और आप नहीं बताएंगी तो क्या कोई और नहीं बताएगा, आप एहसास नहीं करते, आप फला नहीं करते, अगर हम नहीं बताएं तो उसके आगे से ये सारे हमें जवाब सुनने को मिल। मैं पूछना ये चाहूँगी, जब आपने 4 दिन से हमारा टाइम वेस्ट किया, 5 दिन से, तो उस वक्त आपका एहसास कहाँ था उस चीज़ के लिए? आपने एहसास किया कि मैं एक बंदी का जो है वो 5 दिन से टाइम वेस्ट कर रही हूँ और उनको एक उम्मीद दिला रही हूँ कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट जो है बस ये सेल होने वाला है, और उसके बाद मैं उनसे जो है वो शॉप का एड्रेस मांग रही हूँ कि जी आप मुझे डायरेक्ट शॉप का एड्रेस दे दें, मैं वहाँ से जाके खुद ही बाय कर दूँ, कोई मसला नहीं मुझे, मैं ये काम भी कर दूँ, मैं आपको शॉप का एड्रेस भी बता दूँ, अगर आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके उसी टाइम पर, बजाय इसके कि एक क्लाइंट बन के आप मुझसे प्रोडक्ट की डिटेल्स लें, आप मुझसे ऑर्डर बुक करवाने के सारी जो है वो करवा रही हूँ, उसके बजाय आप सीधा मुझसे ये पूछें कि आप मुझे शॉप बता दें, मुझे शॉप से जो है ये सामान लेना है, मैं खुद ही बनाऊँगी, तो मैं आपको उसी टाइम पे बता दूँगी। आप मेरा 4 दिन मेरे 5 दिन वेस्ट ना करें, क्योंकि किसी भी सेलर के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती है कि आप एक उम्मीद उसको दिला रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये जाने वाला है, हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, हम जो है इस पर अब काम करने लगे हैं, पूरा माइंडसेट रेडी हो जाता है, चीज़ें वीज़ें निकाल के चेकिंग शुरू हो जाती है कि अच्छा 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 ये वाला है तो अब हम इनको ये रेडी करके देंगे, और उसके बाद आप इस तरीके से बात करती हैं। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट हो सकता है आ जाएं कि भाई आपने आप दूसरों की हेल्प करें, रिस्क आप हर एक का रिस्क लिखा हुआ है, मैं उस चीज़ से शुरू में ही मैंने बता दिया, मुझे उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, मैं बता दूँगी सारी चीज़ें, जो मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं उसको बताती भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले इस तरह से धोखा दही करके जो है वो आए। बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे इन सर्च ऑफ आप डाल सकते हैं कि वेंडर्स सब बैठे हुए, तो डायरेक्ट आप जाके वहाँ पे वेंडर्स से बात कर सकते हैं। आप किसी काम करने वाले किसी वर्किंग पेज के ऊपर ही आकर क्यों उनसे ये पूछते हैं कि भाई आप मुझे प्रोडक्ट नहीं दें, आप मुझे इसकी ये डिटेल दे दें, ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात हो जाती है। अल्लाह करे कोई समझ जाए इस बात को और दोबारा इस तरह की गलतियां ना करें, और अगर किसी को पूछना है तो डायरेक्ट आप मैसेज करें मुझे फला चीज़ का एड्रेस बता दें, तो वो एड्रेस लेकर और चलें, बजाय इसके कि आप इस तरह से टाइम वेस्ट करें किसी का।